ये हल्दी नहीं जानता मैं हूँ। ये मुझे क्या लगा रखा है? अभी गर्म पट्टी ये फिलहाल आप वो हल्की वाली गर्म पट्टी वगैरह लग गई है इसमें। खेत देखो ड्यूटी है, खेत तो ब्लॉग में दिखते ही नहीं है। पाँच साल तो होने लगे, पाँच साल तो किस वाह देखा मतलब बच्चे आज सुबह सुबह यहाँ पे फुटबॉल में हवा कर रहे हैं अपनी। सो हेलो गैज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप गैज आप लोग सब बढ़िया होंगे। एंड मैं तो मतलब आज बढ़िया नहीं हूँ यार, दरअसल आज आ रखा है मेरे को फीवर बुखार वगैरह। तो लास्ट ब्लॉग में गैज आप लोगों ने देखा ना, लास्ट ब्लॉग में जैसे मैंने बताया आपको, मौसम भी दिखाया था कितना तगड़ा वाला कोहरा लगा हुआ था शाम के टाइम में, तो पूरा ठंडा यार मेरे सिर चढ़ गया रात भर में। मतलब इतना ज़्यादा मतलब सिर दर्द हो रहा था मेरा रात भर, इतना भयंकर वाला मतलब बुखार आ रखा था। जस्ट अभी उठा मैं, ये 11 बज रहे लगभग, लगा लो आप 11 साढ़े 11 बजे उठ रहा हूँ मैं अभी। अभी भी बुखार चढ़ा हुआ है, अभी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ मैं और मेरा ब्लॉग हो रहा है 11 बजे शुरू। एंड मेरे को गैज आदत है ना यार, शाम को मैं मतलब डेली मतलब पानी वानी मतलब रात को मतलब मेरे को पानी पीने की आदत है। कल भी ऐसे ही पानी लेकर के आया हुआ था मैं, ठंडा हो रहा था बहुत ज़्यादा, एक मन कर रहा था कि पी लूँ, एक मन कर रहा था नहीं पीऊँ करके यार, क्योंकि बुखार भी आ रहा था मतलब तगड़ा वाला। तो फिर भी आप भाई सबसे पहले तो जो सिचुएशन उस वक्त होती है ना तो उसको निपटाते थे। तो प्यास वगैरह भी लग रही थी, गला भी सूख रहा था भाई, पी लिया मैंने, उसकी वजह से थोड़ा गला भी बैठ गया मेरा एंड सर्दी जुकाम भी लग गया है तगड़ा वाला। मॉर्निंग में मैंने रोटी खाई, वो भी मुश्किल से, दवाई खाने के लिए यार एक रोटी खाई मैंने, वो भी मुश्किल से, मम्मी बोलती दवाई वगैरह खा लेना करके, बड़ी मुश्किल से एक रोटी खाई, वो भी कड़वी हो रही है। रोटी छोड़े यार तुम, रोटी तो छोड़ो, बिल्कुल पानी तक कड़वा हो रहा है यार, पानी तक कड़वा बिल्कुल, ऐसा मतलब बुखार आ रखा है। मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर से बैठता हूँ, धूप में बैठता हूँ, थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा सा ताप मिलेगा तो बॉडी को थोड़ा सा मतलब सही होगा करके। चश्मेश क्या कर रहा है तू, पानी भर रहा है? कितने डब्बे भर दिए तूने? एक भर दिया, दूसरा वाला भर दी। बाकी यार गाइज आज नहीं तो मेरा मतलब हल्द्वानी जाने का प्लान बन रहा था तो वो भी कैंसिल हो गया। एंड भाई लोग मतलब कैंपिंग वगैरह के लिए बोल रहे थे मेरे को, तो उसका भी प्लान बन रहा था, वो भी पता नहीं शायद आज कैंसिल हो जाता है या क्या होता है करके। अभी जब तक यार तबीयत सही ठीक नहीं होगी तो मतलब बुखार वुखार सही नहीं होगा तब तक तो मतलब कहीं जा भी नहीं पाऊँगा, नहीं तो आज मेरा हल्द्वानी जाने का प्लान बन रहा था, कल हमारा मतलब कैंपिंग का प्लान बन रहा था, वो भी नाइट कैंपिंग का प्लान बन रहा था। बट क्या ही कर सकते हैं यार, अभी फीवर वीवर वगैरह आ रखा है तो जब तक ये सही होता है तो तब तक तो भाई कहीं नहीं जा सकता अब मैं। भैया ब्लास्ट का खड़ा लाया था क्या? भैया हल्द्वानी जा रही था मैं, तब भाई जब ये दिखी नहीं ना क्या, ये मुझे क्या लगा रखा है? भैया गर्म पट्टी एक्सरे वगैरह लो भरे, एक्सरे में की मतलब सही होगा अब? वो तो उसी का जुड़ जल का मैंने ठीक है। कल चाचा गए हुए थे हल्द्वानी, हल्द्वानी से अपना प्लास्टर कटा के लाइए, फिलहाल अब वो हल्की वाली गर्म पट्टी वगैरह लग गई है इसमें, थोड़ा सा और बचाएगा ना, दवाई वगैरह दी होने से उसके बाद तो फिर चाचा दौड़ने वाले होंगे। फिर देखो ड्यूटी, फिर तो ब्लॉग में दिखते ही नहीं है, जिस दिन से ड्यूटी ज्वाइन हो जाती है फिर तो ठीक हो जाए पहले यार। हाँ सही हो जाए तो तुम क्या सूजन में जो उला करने वाले यार, कि नाम ने दूध में कि नाम है, एक गिलास दूध में कि नाम है, एक चमची कि नाम है, हल्दू कि नाम है, खिद भी रख दिया थे तो सूजन फूजन के सब घटो वाले। अच्छा हल्दी या फिर क्या नाम है वो पाउडर है, सही पाउडर वाला हल्दी। चाहे दगा की बिना ऐसी भूत दिखा दें या भूत यकल यकल मतलब मगर भूत दिए ने इतनी छुराई पूरा मगर क्या में जो महीन ले लिया वे काश दी तो सही होती पकड़ ऐसी दिए चाहिए। तुम लोग क्या करते हो बच्चों? ये हवा भर रहे हैं। हवा किसमें? फुटबॉल में? चश्मे से आ रही है वो बिक्की, यहाँ पे हवा भरने में लगे हुए हैं अभी फुटबॉल में। बिक्की घूत घूत खा गए थे ने? बस हैं कतु खाई खाना रहा बना रखे। अरे बना आज ही खाने देखिए किले बना रखे बार खाना ही नहीं लगना। यही आज मैं सुबह से यार उस वक्त से मतलब धूप में ही बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा अच्छा जैसा तो लग रहा मतलब यहाँ पे, और सुबह से धूप में बैठे बैठे मतलब सर ऐसा मतलब तप गया ना, मतलब यार धूप से बहुत ज़्यादा तप गया है। अभी मैं उस वक्त से बैठा ही हूँ, थोड़ा अच्छा फील भी हो रहा है
बट बुखार देखो अगर जितनी मतलब धूप मतलब मिलेगी बॉडी को तो उतनी जल्दी सर्दी जुकाम बुखार वगैरह सही होगा, साफ होगा। अभी मैं अपने लिए खाना लेकर के आ रखा था, यहाँ पे रखा है ये देखिए सामने में, मतलब एक दो चमची मतलब खाया मैंने, चावल वगैरह रोटी वगैरह खाई, बड़ी कड़वी हो रही है यार, बट बुखार में ऐसा ही होता है ना। बट क्या कह रहे हैं, खाना पड़ेगा यार, फिर उसके बाद दवाई वगैरह खानी है, तो जब खाना खाऊंगा दवाई खाऊंगा तभी ठीक भी होऊंगा, तभी एनर्जी भी आएगी, तभी चलूंगा, तभी ब्लॉग भी बना पाऊंगा। गाइज बाकी हो गई है वीडियो समाप्त यहीं पे, और यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ ब्लॉग को। ज़्यादा कुछ था नहीं यार, बस एक छोटा सा ब्लॉग था। ये फीवर आने के कारण मतलब पूरी मतलब बॉडी कांप जैसी रही है, और ठंडा भी लग रहा है यार अभी इस समय में। देखिए आप, सनसेट हो गया सामने से, कोहरा फिर से कल की तरह, कल परसों की तरह भरने लग गया सामने से बिल्कुल। वीडियो एडिट करूँगा, वीडियो एडिट करके बाकी अपलोड वगैरह कर दूँगा, एंड उसके बाद सोऊँगा, क्योंकि मतलब बुखार सा मतलब फिर से आने लग गया है। बाकी कुछ मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाया, ज़्यादा बना नहीं पाया, तो मतलब ब्लॉग बनाने की ज़्यादा हिम्मत से मतलब ज़्यादा आ नहीं रही थी। तो मतलब यार ये मतलब बिना एनर्जी के मतलब ब्लॉग बनाने में मज़ा भी नहीं आता है, मतलब ये एनर्जी के साथ में ब्लॉग बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। तो बाकी यार अभी मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड, यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मतलब छोटा सा ब्लॉग था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी कर दें सभी को। और मैं मिलता हूँ आपको फिर से अगले एक नए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।